हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं मिटते पाप। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कभी कभी हमारे मन में शंका होती है कि लोग अनेक बार गंगा जी में स्नान कर लेते हैं और वर्षों से गंगा जल का सेवन भी कर रहे हैं, फिर भी उनके दुख, चिंता, तनाव, भय और क्लेश क्यों नहीं मिट रहे हैं, जीवन में शांति क्यों नहीं है। क्या गंगा की पाप धोने की शक्ति समाप्त हो गई है या हम ही कोई भूल कर रहे हैं। तो जाने इस प्रश्न का उत्तर एक भक्ति कथा के द्वारा। तो दोस्तों, पुराणों में गंगा जी की अपार महिमा बतलाई गई है। जैसे गंगा वह है जो सीढ़ी बनकर मनुष्य को स्वर्ग पहुँचा देती है, जो भागवत पद को प्राप्त करा देती है, मोक्ष देती है, बड़े बड़े पाप हर लेती है और कठिनाइयां दूर कर देती है। मनुष्य के उस दुख सदैव के लिए मिट जाने से उसे परम शांति मिल जाती है और वह जीते जी जीव मुक्ति का अनुभव करने लगता है। गंग शकल मुदु मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला, तुलसीदास जी ने ये दोहा कहा है। गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं मिटते पाप। कभी कभी हमारे मन में ये शंका होती है कि हमने अनेक बार गंगा जी में स्नान कर लिया और वर्षों से गंगा जल का सेवन भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख, चिंता, तनाव, भय, क्लेश और मन की चिंता क्यों नहीं मिट रहे हैं, हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है। इसका बहुत सीधा सा उत्तर है, मनुष्य का भगवान और उनके वचनों पर विश्वास न करना। शास्त्रों और पुराणों में जो कुछ लिखा है वह भगवान के ही वचन है। यदि हम तर्क ना करके पुराणों की बाड़ी पर अक्षरश विश्वास करेंगे तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। ध्यान रहे, देवता, वेद, गुरु, मंत्र, तीर्थ, औषधि और संत, ये सब श्रद्धा विश्वास से ही फल देते हैं, तर्क से नहीं। इस बात को एक सुंदर कथा के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। एक बार भगवान शंकर व पार्वती जी घूमते हुए हरिद्वार पहुंचे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, फिर भी इनके पापों का नाश क्यों नहीं हो रहा। शंकर जी ने उत्तर दिया, इन लोगों ने गंगा स्नान किया ही नहीं, ये तो केवल जल में स्नान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वास्तव में गंगा में स्नान कैसे किया जाता है। तो भगवान शंकर जी ने गंगा जी के रास्ते में एक गड्ढा बनाकर उसे जल से भर दिया और साधारण मानव के बीच में उस गड्ढे में खड़े हो गए। शंकर जी कंधों तक जल में डूबे हुए थे। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि तुम गंगा स्नान करके आने वाले से निवेदन करना कि मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, लेकिन शर्त यह है कि यदि तुमने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो तभी इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करना, अन्यथा इन्हें छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। कई दिन बीत गए, हजारों लोग गंगा स्नान कर उस रास्ते से निकले, लेकिन शर्त सुनते ही शंकर जी को छूने की हिम्मत नहीं करते और यह कहते हुए चले जाते कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, पर पूर्व जन्मों का क्या पता, पता नहीं हमसे कोई पाप हो गया हो। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर पार्वती जी से कहा, मैं आपके पति को इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। पार्वती जी ने पूछा, क्या आपने कभी पाप नहीं किया। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु अभी अभी मैंने गंगा जी में स्नान किया, इसलिए मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और मैं निष्पाप हो गया हूँ। उस व्यक्ति ने जैसे ही भगवान शंकर को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, शंकर जी स्वतः ही गड्ढे से बाहर आ गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, इसने वास्तव में गंगा स्नान किया है, क्योंकि इसको विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है, ऐसे प्राप्त करें गंगा स्नान का पूरा पुण्य फल। तो दोस्तों, पहली चीज है गंगा जी की कृपा प्राप्त के लिए उनमें अखंड विश्वास होना चाहिए, इसलिए उनसे शारीरिक वस्तुएं न मांगकर सदैव यही मांगना चाहिए कि आप अपनी कृपया से मुझे अपना अखंड विश्वास दीजिए। और दूसरी चीज है ये गंगा में डुबकी लगाते समय यही भावना रखनी चाहिए कि हमें साक्षात नारायण के चरण कमलों से निकले अमृत रूप ब्रह्मदेव में डुबकी लगा रहे हैं। मैंने जन्म जन्मांतर में जो थोड़े या बहुत पाप किए हों वो गंगा जी के स्नान से निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। त्रिपंथ गामिनी, गंगा मेरे पापों का हरण करने की कृपा करें। तो दोस्तों, तीसरी चीज है कि शास्त्रों में कहा गया है कि देवता बनकर ही देवता की पूजा करनी चाहिए।
शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा स्नान के लिए जाते समय झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, निंदा, चुंगली, क्रोध, लोभ, लालच आदि असुरी वृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए और दान, दया, करुणा, सत्य, परोपकार आदि दैवीय गुणों का जीवन में पालन करना चाहिए, तभी गंगा स्नान सफल होता है। बहुत से लोग गंगा स्नान करने तो जाते हैं किंतु शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार गंगा स्नान नहीं करते। तीर्थ स्थान में ताश खेलना, सिगरेट पीना आदि कार्य करते हैं, इससे भी उन्हें गंगा स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता। लोगों के पापों को धोती रहने वाली गंगा जी को अवैसी पुण्यात्माओं की प्रतीक्षा है जो गंगा में अपने पाप धोने नहीं वरन पुण्य समर्पित करने आए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हो सके तो बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे इस तरह की जानकारियों के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।